नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद राजस्थान के जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि आखिर राजस्थान में नई भर्ती कब निकलेगी, कब इनके एग्ज़ाम होंगे और काफ़ी सारे युवाओं के मन में सवाल हैं। तो देखिए, इसी क्रम में एक खुशखबरी निकल के आ रही है कि राजस्थान में जल्द ही पटवारी की नई भर्ती आ सकती है। क्या है पूरी ये न्यूज़, कब तक ये जारी हो सकती है, कब तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है, सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें क्या है पूरी खबर, तो देखिए राजस्व मंडल जो अपने राजस्थान अजमेर में है, राजस्व मंडल ने पटवारी के 3000 नए पदों पर भर्ती की अनुमति मांगी है। अपने 3000 पद भी वर्तमान में खाली चल रहे हैं, क्योंकि देखिए इस पटवारी भर्ती की अगर बात करें तो लास्ट ईयर आचार संहिता से पहले भी इसकी थोड़ी बहुत बात हुई थी, अनुमति मांगी थी, लेकिन आचार संहिता लग गई थी, उसकी अनुमति मिली नहीं थी। तो देखिए, हाल ही में काफ़ी सारे नए पटवारी मंडल का गठन हुआ है, तो उसके चलते काफ़ी सारी पटवारी की पोस्टें अपने खाली हो गई हैं। तो देखिए, राजस्थान में अगर बात करें तो लगभग अपने कितने पटवारी मंडल हैं, 13,800 पटवारी मंडल हैं, और वर्तमान में अगर बात करें तो लगभग 3,000 अपने पटवारी के पद अभी एक तरह से वैकेंट आ सकती है इस पर विज्ञप्ति। तो देखिए, ये वित्त विभाग कब इसकी अनुमति देता है, कब ये वैकेंसी जारी होती है, तो ये तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन एक उम्मीद लगा सकते हैं कि इस साल अपने लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले जो भर्ती आएगी अपने, ये पटवारी भर्ती हो सकती हैं। सबसे पहले भर्ती अपने पटवारी की आएगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवारी, ये तीनों भर्तियां सबसे पहले आएगी। और सबसे पहले अगर बात करें तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की सबसे ज़्यादा चांस बन रहे हैं, हो सकता है ये लोकसभा चुनाव से पहले ही इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाए। और एग्ज़ाम की अगर बात करें तो लास्ट 2024 तक बात करें या फिर जनवरी फरवरी 2025 तक ये एग्ज़ाम हो सकता है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी इसका एग्ज़ाम कराएगा। आपने पिछली बार भी अपने लगभग बात करें 2021 में तो 4,400 पद की ये वैकेंसी निकली थी, लगभग साढ़े चार हज़ार पदों पर अपने पटवारी की वैकेंसी निकली थी। तो देखिए, लगभग 3,000 पदों पर या फिर जितना लेट होगा उतने ये पद बढ़ जाएंगे, क्योंकि अधिकतर जो पटवारी होते हैं वो अपने दूसरी वैकेंसी में चयन हो जाता है उनका, जैसे रेट हो गया, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इनमें वो चयन होकर नौकरी छोड़ देते हैं, तो ये लगातार ये पोस्ट क्या हो जाती है, खाली हो जाती हैं। तो ये अपने सबसे पहले अगर कोई वैकेंसी देखने को मिलेगी राजस्थान में तो ये अपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसके अलावा पटवारी, ये तीनों वैकेंसी अपने सबसे पहले राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो आप अभी से इसकी तैयारी जारी रखिए, तैयारी करते रहिए आप, क्योंकि पटवारी भर्ती में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है। लगभग अपने मान के चलिए कि इसमें 15 लाख के समथिंग फॉर्म आने वाले हैं, 15 लाख, तो काफ़ी तगड़ा कंपटीशन इसमें रहने वाला है। तो ये थी अपने पूरी न्यूज़।